उम्मीद है कि वो सच बोलेगा। उम्मीद है कि सर 10 बजे तक आ जाएंगे। उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर से पास होंगे। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना है, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, उम्मीद है इसको इंग्लिश में लिखते हैं होपफुली। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जानते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा होपफुली, इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस जो कि आपके टेंस के हिसाब से रहेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि वो सच बोलेगा। होपफुली ही विल टेल द ट्रूथ। होपफुली ही विल टेल द ट्रूथ। उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर से पास होंगे। होपफुली यू विल पास विद अ गुड मार्क्स। होपफुली यू विल पास विद द गुड मार्क्स। उम्मीद है कि सर 10 बजे तक आ जाएंगे। होपफुली सर विल कम बाय 10 o'clock। होपफुली सर विल कम बाय 10 o'clock। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। होपफुली यू विल बी गुड। होपफुली यू विल बी गुड। उम्मीद है कि मेरा बेटा ये एग्जाम में पास होगा। होपफुली माई सॉन विल पास दिस एग्जाम। होपफुली माई सॉन विल पास दिस एग्जाम। उम्मीद है कि वो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। होपफुली ही विल एक्सेप्ट माई फ्रेंड रिक्वेस्ट। होपफुली ही विल एक्सेप्ट माई फ्रेंड रिक्वेस्ट।